हाँ जी दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना ये क्वेश्चन रहेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ आपको एल दे रखा है और इसका डायमीटर भी आपको गिवन है ठीक है और आपसे ये सारी चीज़ें पूछ ली जा रही है ठीक है और हाँ एक और बात इसको पोटेंशियल वी से कनेक्ट भी किया गया है ठीक है एक बैटरी भी कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस तो आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी ये कैसे चेंज होंगे क्या इंक्रीज़ होंगे डिक्रीज़ होंगे कब जब आप वायर को इंक्रीज़ करोगे विदाउट स्ट्रेचिंग और जब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई टू लगाओगे ठीक है तो ये दोनों चेंज को आपको कंसीडर करना है और देखना है कि इन चेंजेस की वजह से इन तीनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा ठीक है अब तीनों का फ़र्क देखने के लिए कुछ मेरे को फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी जाके मैं उन बातों को डिस्कस अच्छी तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो देखिए क्या है जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है सोचिए ज़रा तो करंट डेंसिटी क्या होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू तो सिगमा ई एक तो ये फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए दूसरा फार्मूला वी इज इक्वल टू तो ई एल से काम चला लेंगे तीसरा फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड रहना चाहिए तो ये वाला भी, भी कर लीजिए वीड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ ठीक है तो ये वाले जो तीन फॉर्मूले हैं इनको आपको दिमाग में रखना है और बाकी सब काम हो जाएगा देखिए कैसे हो जाएगा देखिए पहला जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है स्ट्रेच के बिना लेंथ को इंक्रीज़ किया गया है अच्छा एक बात चेक कर लेते हैं इस बात को कि अगर स्ट्रेच करता तो क्या होता स्ट्रेच करता तो ये आपका रहता है एरिया ऑफ सेक्शन मान लीजिए वायर का स्ट्रेच करने से पतला हो जाता है कि नहीं तो यही बोला गया कि स्ट्रैच नहीं किया गया है जो इसका डायमीटर है वो उतना ही रहने रहते रहते ही आपने लेंथ को क्या किया इंक्रीज़ किया ठीक है तो जो डिक्रीज़ इन एरिया ऑफ सेक्शन वाली जो बातें होती अगर स्ट्रैच करता वो वाली बातें यहाँ पर नहीं है तो देखिए वोल्टेज तो चेंज नहीं किया है सिर्फ़ और सिर्फ लेंथ को इंक्रीज़ किया है तो क्या मैं इस रिलेशन से बता सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो देखिए वोल्टेज तो सेम है तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है यहाँ पर तो इन दोनों ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड रहेंगे इनवर्सली रहेंगे क्योंकि अगर ये वैल्यू जो भी है मान लीजिए जो ये वी वैल्यू थी इसमें तो चेंज आना नहीं है अगर इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है किस में एल में तो ई e में मतलब डिक्रीमेंट आएगा क्या नाम है कुछ भी मतलब ई e में ये डिक्रीज होगा बेसिकली आपका है कि नहीं सोचो न जरा वी अगर कांस्टेंट है ई e और एल आपस में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल बढ़ा तो ई e घटेगा तो अगर ई e घटेगा तो ये वाला ई e भी तो घटेगा ना ये अलग थोड़े ना अगर ये घटेगा तो हमें पता है कि सिग्मा तो कांस्टेंट है अरे सिग्मा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना वो तो कांस्टेंट है ना सोचो जाना ना सिग्मा है क्या सिग्मा बेसिकली वन बाय रो का रेसिप्रोकल है मतलब क्या है रेसिप्रोकल ऑफ रो है है कि नहीं ये कह लो या फिर ऐसे कह लो कंडक्ट रजिस्टिविटी का उल्टा है है कि नहीं तो रजिस्टिविटी का उल्टा है और रजिस्टिविटी खुद क्या होती है रजिस्टिविटी होती है एम बाय एन ई स्क्र टाओ ठीक है अब देखो ये चीज़ तो कॉन्स्टेंट रहेगी है कि नहीं क्यों रहेगी कॉन्स्टेंट क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता नहीं है ये एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो चेंज होगा नहीं क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज किया ही नहीं है और ये देखिए क्या नाम है इसका ई स्केयर चेंज होगा नहीं टाव तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है ये भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ चेंज होगा तो जब रो चेंज नहीं होगा तो सिग्मा चेंज नहीं होगा जब सिग्मा चेंज नहीं होगा तो ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है और अभी भी देखा जब एल बढ़ा तो ई e घटेगा और E घटेगा तो जेड भी जे भी घटेगा है कि नहीं तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सोचनी है तो अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जगह अगर E घटेगा तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगा क्यों 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 क्योंकि वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है ऐसा क्यों बोला क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट है तो इन पर तो डिपेंडेंसी रहेगी नहीं तो हमें कह सकते हैं कि वी डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्लियर इतनी बात तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ओके आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है आगे ये बोला गया है कि जब आप ये जो वायर था एल लेंथ का इसके करो जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है उस पोटेंशियल को आप घटा देते हो कितना कर दिया कितना कर दिया आधा कर दिया तो क्या होगा हाँ ये सोचने वाली बात है अगर थोड़ा सोच के देखो अगर ये आपने आधा कर दिया एल तो उतना ही है कि नहीं इसी रिलेशन को पकड़ो एक बार अगर ये आधा हुआ है और L उतना ही तो L कांस्टेंट हुआ इसका मतलब V और E में डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि V जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा जी V जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटेगा है कि नहीं तो हम कह सकते हैं कि अगर V घटा तो E भी घटेगा E घटेगा तो फिर से वही वाली बात है ये वी घटेगा तो जे भी घटेगा जब जे घटेगा तो ई भी घटेगा है ना? ये वाला भी घटेगा जब ये वाला ई घटेगा तो ई डी भी घटेगा ठीक है तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि सब कुछ घट रहा है है ना? वायर को विदाउट स्ट्रेचिंग करके इंक्रीज़ किया है मतलब कोई स्ट्रेचिंग नहीं किया और इंक्रीज़ किया है तो भी ई घटता है और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द कंडक्टर लगाया है उसको घटाते हो तो भी आपका ई घटता है ठीक है तो दोनों तरीके से आपका क्या हो रहा है ई घट रहा है और काफ़ी चीज़ें उसके हिसाब से घट रही हैं ठीक है चलिए थैंक यू